हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैम ऑफ क्वीन। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल फेशियल। और गाइस, ये फेशियल बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए, साथ ही साथ ये आपकी स्किन में ग्लो लाएगा, अलग सा निखार लाएगा। और गाइस, विंटर के मौसम में हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, इसलिए आज मैं आपके साथ टमाटो फेशियल लेकर आई हूँ। और गाइस, टमाटो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और गैस, इस फेशियल में मैंने आपके साथ शेयर किया 3 स्टेप क्लिनजिंग स्क्रबिंग एंड फेस पैक। ये बहुत ही अच्छे हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। सो गैस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले गैस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस, फेशियल का फर्स्ट स्टेप है क्लिनजिंग। सो गाइस, क्लिंजर बनाने के लिए हमें एक टमाटो लेना है। और गाइस, टमाटो हमारी स्किन को नेचुरल तरीके से ब्लीचिंग करने के साथ साथ हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आप इसे एज अ ब्लीचिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। आपको क्या करना है कि आपको इसे हाफ कट कर लेना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इसे यूज़ करना है। तो गाइस, आपने जो हाफ टमाटो लिया है, आपको धीरे धीरे अपने फेस पर अच्छे से मसाज करनी है। सो गाइस, मसाज करने की वजह से हमारी स्किन पर अगर डस्ट है या फिर पोल्यूशन की वजह से हमारी स्किन डल हो गई है, तो ये हमारी स्किन से डस्ट को रिमूव करके हमारी स्किन को एकदम क्लीन बनाएगा, साथ ही साथ सॉफ्ट बनाएगा। सो गाइस, आपको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। सो गाइस, अब हमारा स्टेप 1 एकदम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बारी आती है स्टेप 2 स्क्रबिंग की। सो गाइस, स्क्रबर बनाने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी सूजी लेनी है, यानी रवा, और साथ ही साथ हमें हनी की जरूरत होगी। और गाइस, इस स्क्रबर को बनाने के लिए हमें एक क्लीन बोल लेना है और उसमें हमें कम से कम 1.5 टीस्पून सूजी ऐड करनी है, यानी रवा। और गाइस, ये बहुत ही अच्छा स्क्रबर है, हमारी डेड स्किन को रिमूव करेगा, साथ ही साथ हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। सो गाइस, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून हनी। और गाइस, विंटर के मौसम में हनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और गाइस, विंटर के मौसम में हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, तो ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, साथ ही साथ हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बनाएगा। सो गाइस, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गाइस, आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना जब तक कि ये स्क्रबर तैयार ना हो जाए। ये देखिए इस तरीके से, आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो गाइस, अब हमारा स्क्रब एकदम रेडी हो चुका है। अब हमारा जो हाफ टमाटो बचा हुआ था उसको हमें लेना है और उसके बाद टमाटो पर ये स्क्रब को लगाना है और उसके बाद आपको इसे अपने फेस पर हल्के हाथों से स्क्रब करना है। सो गाइस, देखिए आपको इस तरीके से स्क्रब करना है। अगर आपको कम से कम 3 से 4 मिनट तक अपने फेस पर अच्छे से मसाज करनी है। अगर स्क्रब करने से हमारे अगर डेड स्किन होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है और हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। सो गाइस, स्क्रबिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, स्क्रब करने के बाद आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। और गाइस, इसी के साथ सेकेंड स्टेप भी कम्प्लीट हो चुका है। और गाइस, मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील कर रही है। सो गाइस, उसके बाद बारी आती है थर्ड स्टेप फेस पैक की। सो गाइस, फेस पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 टीस्पून मसूर दाल पाउडर लूँगी, यानी रेड लेंटिल पाउडर। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून राइस फ्लोर। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो जूस। आपको हाफ टमाटो लेना है और उसको उसमें जूस ऐड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून हनी। सो गाइस, हनी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच कच्चा दूध, यानी रॉ मिल्क। और गाइस, उसके बाद मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सो गाइस, आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि एक स्मूथ पेस्ट ना तैयार हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके।
और गाइस मैंने इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए, और विंटर के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएंगे, स्मूथ बनाएंगे, साथ ही साथ वाइटन ब्राइटन बनाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो गाइस आपको इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो गाइस अब हमारा फेस पैक एकदम रेडी है। अब आप इसे अपने फिंगर्स की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से भी अपने पूरे फेस पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। सो गाइस देखिए आपको इसको अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करने के बाद 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लें। सो गाइस अब हमारा स्टेप थर्ड कंप्लीट हो चुका है और मेरी स्किन इसके पहले यूज में कितनी ज्यादा ग्लो करने लगी है। सो गाइस आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, विंटर के मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट फेशियल है ये। सो गाइस आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।